उत्तराखंड का जो हादसा था, जो उत्तरकाशी था, वहाँ पर श्रावस्ती के सिंसिया विकासखंड के मोतीपुर कला गांव के भी 6 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस गांव में लगातार लोग परेशान थे, लोग यही सोच रहे थे कि हमारे अपने जो हैं वो कब हमारे बीच वापस आएंगे। दीपावली की रात थी जब इन लोगों को संदेशा मिला कि वहाँ हमारे बच्चे, हमारे अपने फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों ने दीपावली भी नहीं मनाई। कल जब वो सुरक्षित निकाल लिए गए, 41 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 6 लोग इस गांव के थे। ये मोतीपुर कला गांव है जो श्रावस्ती जनपद के इंडो नेपाल बॉर्डर सिलसिला के विकासखंड में स्थित है। यहाँ के 6 लोग थे। यहाँ का एक परिवार है, संतोष नाम का एक बंदा है, ये भी वहाँ फंसा हुआ था। इसके परिवार वाले हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब इनको क्या उम्मीद है। कल लगातार उनको जब सुरक्षित निकाला गया तो ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, इन बीते 17 दिनों में इन्होंने क्या अनुभूति की है, इनके ऊपर क्या गुजरी है, इसका केवल एक अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुड्डू। आपका कौन था वहाँ फंसा हुआ था? हमारा छोटा भाई के लड़का था। क्या नाम है उसका? संतोष जिमान। कहते वो फंसा था, तो उससे आप लोग बीच 17 दिन का जो बीच बीता, इसके आप लोगों को कैसा लगा, क्या अनुभूति आई, और कल जब पता लगा कि सुरक्षित है तब क्या हुआ? उनका जब फंसे हुए थे तो सबकी यही हो रहा था कि उम्मीदें जता के बैठे रहे कि हमारी सरकार निकालेंगे, कैसे भी हमारे भाई भी हमारे बच्चों को निकालेंगे। कोई सही अफसोस में सारे बैठे हुए थे, सारे ना ही रोटी खा रहे थे, ना कोई कुछ कर रहा था, ना ही उनको दीपावली आया, कह रहे हम दीपावली क्या जलाए, क्या करें, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए सर। और उसके बाद जब 17 दिन के बाद इनके बीतने के बाद जो उम्मीदें जताए थे, लगाए बैठे रखे थे सारे, और फिर जैसे इन्हें मालूम पड़ा कि हाँ हमारे बच्चे आज बाहर निकले, तो बाहर निकले तो इतनी खुशियों से झूम उठे सारे, हमारे जो छोटा भाई के उसकी मम्मी थी, और हमारे सारी वाइफ और हमारे बूढ़ी माँ सारी को यहाँ पे बैठे हुए थे, सारे खुशी से झूम उठे, दीप जलाए कि हमारे बच्चे अब निकल आए हैं, और हमारे सरकार जो पुष्कर सिंह धामी ने इतनी वो करके हमारे बच्चों को निकाला है, उनकी बहुत बहुत बधाई। और हर चीज़ को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और योगी जी हैं और हर इसको इनको बधाई दिए जा रहे हैं, और अपने जो हमारे मीडिया वाले भाई साहब हैं सभी को, सबको बहुत बहुत बधाई दिए जा रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चों को निकाल लाए हैं। और हर बच्चे ऐसे यही माँ चाहती थी कि हमारे बच्चे आए, घर आए, उनकी हम खुशियाँ मनाएं, फिर से दीप जलाएंगे और दीप जलाएंगे, फिर से उन्हें खूबे से स्वागत करेंगे कि हमारे बच्चा नया जन्म लेके आ रहा। भाई साहब, कल जब वो स्वच्छ निकल आए हैं उसके बाद आप लोगों से बात हो पाई है, पूरा बात हुई है आपसे? हाँ, संतोष से बात हुआ है, कह रहे थे कि अभी देखो हम बड़े पापा, हम तो अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस में हैं, क्योंकि बात हुआ वीडियो कॉलिंग में, उन्होंने बोला कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जब वहाँ सारी सुरक्षित सबको निकालेंगे और लेके जा रहे हैं, और वहाँ से जो जैसे रिफर करेंगे तभी आएंगे हम। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री सबका विशेष सहयोग था, जिनके सहयोग से सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। इस गाँव के 6 लोग थे, पूरे ये 6 परिवार हैं, उसके चलते पूरे गांव में हाहाकार की स्थिति थी, कई जगहों पर चूल्हा नहीं जल रहा था। आखिरकार इन लोगों को सांत्वना मिली जब उन्हें पता चला कि इनके बच्चे सुरक्षित हैं और अब ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मित्रेश पाठक, इंडिया न्यूज़ साउथ।